नमस्कार, मैं अमकित सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच हुए मैच में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। स्कॉटलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में नेपाल की टीम 135 रन पर ऑल आउट हो चुकी है और नेपाल को स्कॉटलैंड से लगा है एक बड़ा झटका। वनडे विश्व कप क्वालिफायर के लिए दक्षिण अफ्रीका में अभ्यास कर रही नेपाल टीम ने स्कॉटलैंड को 136 रन का मामूली सा लक्ष्य दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा क्या स्कॉटलैंड 136 रन का लक्ष्य पूरा करने में सफल हो सकता है। ICC विश्व कप क्रिकेट क्वालिफायर से पहले दक्षिण अफ्रीका में टॉस हारने के बाद नेपाल ने स्कॉटलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की और 28.5 ओवर में 35 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका है। अब नेपाल 10 जून को नीदरलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच खेलने वाला है। नेपाली टीम हाल ही में जिम्बाब्वे में अगले महीने होने वाले ICC क्रिकेट विश्व कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की तैयारी के लिए दक्षिण अफ्रीका गई है और नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच हुआ एक बहुत बड़ा मुकाबला जिसमें नेपाल को हराने में स्कॉटलैंड कामयाब हो सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।